नमस्कार, मैं हूं ओशिन काम्बोज। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आजादी का अमृत महोत्सव पर्व के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल नागपुर से पहुंची बुलेट रैली का संस्कारधानी में भव्य स्वागत किया गया। इस रैली का राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आगमन हुआ, जहां रेलवे के सभी विभाग प्रमुखों द्वारा इस बुलेट रैली के बल सदस्यों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल नागपुर के द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के तहत नागपुर के 25 से अधिक छोटे बड़े स्टेशनों से होते हुए बुलेट रैली आरपीएफ के जवानों के द्वारा नागपुर से होते हुए राजनांदगांव स्टेशन पहुंची। ये बुलेट रैली दिल्ली तक जाएगी। राजनांदगांव स्टेशन में बुलेट रैली का पुष्पमाला के द्वारा स्वागत किया गया। आरपीएफ के जवान का कहना है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत बुलेट रैली नागपुर से निकाली गई है, जो विभिन्न स्टेशनों से होते हुए दिल्ली तक जाएगी। बुलेट रैली की टीम में लगभग नागपुर से 10 राइडरों के द्वारा जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर आरपीएफ की उपलब्धियों को लोगों को बताते हुए और स्कूली बच्चों को मिठाई बांटते हुए रैली दिल्ली तक जा रही है। सर, यह रैली आरपीएफ द्वारा नागपुर डिवीजन एसीसीआर द्वारा ये आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तौर पर मनाते हुए यह नागपुर डिवीजन के 25 छोटे बड़े स्टेशनों से होकर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हुए और आरपीएफ की उपलब्धि को बताते हुए स्कूलों में बच्चों को पब्लिक को मिठाई बांटते हुए या जोन जाएगी बिलासपुर से फिर कुछ सिलेक्ट होके हैदराबाद दिल्ली तक जाएगी। आज हमारा जो रेलवे सुरक्षा बल है आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ के स्वरूप पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मना रहे हैं, जिसके पर्व में तहत हमारे जो आरपीएफ की बुलेट रैली की टीम जो है हर डिवीजन से 5-5 की बुलेट, जिसमें दो एक राइडर एक बुलेट जो है पीछे बैठ के दो लोग, तो साथ में ऐसी 10 लोगों की टीम जो है 5 बुलेट लेके निकली है। साथ में एक 4 व्हीलर भी है पायलटिंग के लिए, असिस्टेंट के लिए। और ये सब टीम जाके नागपुर के अलग अलग स्टेशन से होते हुए आज हमारे स्टेशन राजनांदगांव पहुँची है और ये टीम आगे कल 13 तारीख को रसमड़ा होते हुए दुर्ग पहुँचेगी और 13 तारीख को सुबह यहाँ से निकल के दुर्ग से होते हुए बिलासपुर जाएगी। इसके बाद पूरे डिवीजन की टीमें जो बुलेट रैली की टीम क्लोज होगी और यहां से हैदराबाद होते हुए दिल्ली के रवाना होगी। राजनांदगांव जिले के नए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार लेते ही उन्होंने जिले में एक नई परंपरा की शुरुआत के संकेत दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को छत्तीसगढ़ी में सुनकर उसका निवारण करने के निर्देश दिए, साथ ही सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। पदभार ग्रहण करते ही एसपी ने चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने के साथ नशा, अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही नक्सली हिंसा पर रोक लगाने, पुलिस सर्चिंग बढ़ाने कहा है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 1998 बैच के अफसर मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वहीं वे महासमुंद, धमतरी और कोरिया जिले में भी एसपी रह चुके हैं। मैं आज ही पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के पद पर मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी है और मैंने ज्वाइन करते ही जो आज से 12 वर्ष पहले जो घटना हुई थी 12 जुलाई को, उसमें हमारे परम सम्मान्य शहीद विनोद चौबे जी की स्मृति में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं शामिल हुआ, उनके प्रतिमा स्थल पर भी गया और शहीदों के जो यहाँ पे शहीद स्मारक बना है वहाँ भी गया और मैंने सभी शहीद परिजन हैं उनसे भी मिला, उनसे मिल के उनके कुछ समस्याएं थे, कलेक्टर साहब के साथ बैठ के हम लोगों ने उस पर डिसीजन लिया। इसके अलावा मैंने सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग लेके जो मेरी प्राथमिकता है उनको मैंने बता दिया है। सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता तो है, मैं जितने भी यहाँ पे मेरे से मिलने आएंगे या जो मेरे से जो भी शिकायत करेंगे सीधे मेरे से छत्तीसगढ़ी में संवाद कर सकते हैं और मैं उनसे छत्तीसगढ़ी में ही संवाद करूँगा। इसके अलावा मैंने सभी थाना प्रभारियों का हुआ है कि आप लोग जो भी आपके पास रिपोर्ट करता आते हैं आप उनको प्रॉपर सुने और उसका निराकरण करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैंने अभी 2-3 हम लोग अभियान के प्लान किए हैं, इसमें एक चलित थाना का है। चलित थाना जो पहुँचबीन गाँव है, साप्ताहिक बाज़ार है, वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर साइबर ठगी और इसके अलावा जो छोटी मोटी जो अपराध होती है उसके बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही यातायात अवेयरनेस को लेके भी जो हमारी चलित थाना है वो काम करेगी, तो इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों पे हम काम करेंगे।
सड़क बनाने में ठेकेदार की लापरवाही ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सीसी रोड बनाते समय पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बनाने से बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। निर्माण के दौरान ग्रामीणों की शिकायत को नजरअंदाज किया गया। बेमेतरा जिले के बेरला विकास खंड के ग्राम पंचायत भाटा सोरही के आश्रित नवा गांव में 20 लाख की लागत से सीसी रोड बनाई गई है। रोड के दोनों ओर नाली नहीं बनाने से हल्की बारिश में सड़क का पानी घर में भर रहा है। रोड के साइड शोल्डर का निर्माण भी आधा अधूरा किया गया है। इसमें ग्रामीण हादसे का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो शिकायत के बाद भी फील्ड इंजीनियर ने निर्माण के दौरान ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर किसान नेता योगेश तिवारी जायजा लेने ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बना हवा सड़क लाते ला कैसे करी साहेब, पूरा घर में पानी घुस गए है, कैसे कर पूरा घर अंदर हमार चूल्हा चुका सब माँ विधायक साहब बना है, फिर ओकर व्यवस्था नहीं हो है, नाली उली पोंगा उंगा नहीं डाले है, कैसे कर वो बतावा आपे मन हा। अब हमन हाथ कुछ नहीं जाना, वो बना चल रही अब पानी पूरा घुस गए। गांव में निस्तारी के लिए रोड बनाया गया है, अच्छी बात है, रोड बनना भी चाहिए। गांव में बहुत दिन से नवा गांव में भाटा सोरी में रोड का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन रोड तो बनाया गया है, लेकिन यहां पानी भर रहा है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, यहां लोग परेशान है, नवा गांव में घर में अंदर पानी भर जा रहा है। इसको लेकर आज हम लोग देखने आए हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग चाहते हैं कलेक्टर से मिलेंगे, जो भी रोड का जो ठेकेदार है रोड का निर्माण किया है तो पानी निकालने के लिए पानी निकासी करने के लिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी के घर में पानी ना घुसे। राजनांदगांव जिला चिकित्सालय बारिश के पानी से एक बार फिर लबालब हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फ्लॉप होने से अस्पताल परिसर सहित वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी और आईपीडी में मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है। एक घंटे के मूसलाधार बारिश से जिला चिकित्सालय पानी से तरबतर हो गया। पूरा परिसर जलाशय के रूप में तब्दील हो गया। वार्डों में भी पानी घुस गया। ऑपरेशन थिएटर में पानी घुसने से गंभीर मरीजों का ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इससे पूर्व भी बारिश से जिला चिकित्सालय पानी से लबालब हो चुका है। इसके बाद भी प्रशासन ने इस हालत से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किया। रुक रुक कर हो रही बारिश से बालोद जिले के सिंघोला उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। केंद्र परिसर में लबालब पानी होने से मरीजों, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की मांग पर नवीन भवन बनाने महिला व बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। यह उप स्वास्थ्य केंद्र 2 दशक पूर्व बने पंचायत के भवनों में संचालित हो रहा है। जर्जर भवन में सीपेज आ गया है। वहीं आसपास के खेतों के पानी आने से परिसर में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इससे मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के नवीन भवन की मांग किए जाने के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। सरपंच ने क्षेत्रीय विधायक अनिला भेड़िया पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है कि नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन की घोषणा के बाद भी अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। बरसात की शुरुआत में ही पानी भराव ने प्रशासन की तैयारियों के दावे की पोल खोल दी है। देखना यह होगा कि क्या अब लोगों के स्वस्थ रहने की परिकल्पना साकार हो पाएगी। ये 2002 से पुराना पंचायत भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन संचालित है। हमने विभाग और शासन प्रशासन को कई बार भी अवगत करवाए इसके बारे में, क्योंकि ये जो है शासन के एक योजना चलती है शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर अभी पर भी हमारे ग्राम पंचायत में अमल नहीं हो पा रहा है। कई बार भी मंत्री मैडम 2016 में यहाँ पर घोषणा करके गई है, लेकिन अभी तक के वो घोषणा तक ही सीमित है। अभी तक कोई भवन नहीं बनाया ना कुछ नहीं। यहाँ पर अभी इलाज कराने आया था, इतने पानी में कैसा होगा। यहाँ पर गर्भ होता है, महिलाओं को टीकाकरण होता है और साप्ताहिक बैठक होता है, ये नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ पर शिक्षा के स्तर बहुत ही नीचे, स्वास्थ्य के स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। मैं कई बार भी कलेक्टर साहब भी उस समय आए थे, उसको भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि यहां पर बहुत जल्दी जल्द से जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण हो। आज आने के बाद 10 बजे जब हॉस्पिटल खोला तो यहां पूरा पानी भर गया था, और यहां वही मतलब दिक्कत होता है कि ऊपर सीलिंग भी जर्जर हो चुका है, बैठे रहते हैं और ऊपर का सीलिंग जो है गिरता रहता है,
इसके बारे में अवगत भी करा चुके हैं हम लोग, सुपरवाइजर मैडम को भी मैं भेज चुका हूँ। इसके पूर्व भी सूचना दी जा चुकी है लेकिन आज तक इसका कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए जिसमें विभिन्न कंपनियों के द्वारा युवाओं की भर्ती की जा रही है। जिला रोजगार कार्यालय तहसील परिसर राजनांदगांव में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 800 की संख्या में युवा शामिल हुए। प्लेसमेंट कैंप में विभिन्न नियोजकों द्वारा युवाओं को रोजगार दिया गया। रोजगार कार्यालय में आयोजित प्लेसमेंट कैंप में सुरक्षा सुपरवाइजर तथा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा LIC एजेंट के विभिन्न पदों के लिए भर्ती की गई। जिला रोजगार अधिकारी SV राजौरिया का कहना है कि 1300 वैकेंसी है जिसमें 800 युवाओं ने रोजगार कार्यालय पहुंचकर विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए उनका चयन किया गया। एक्चुअली क्या है कि महिला का एक काउंटर है, पुरुष का एक काउंटर है, दो काउंटर के अलावा तीसरे काउंटर की तो आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। बच्चे को आधा घंटा वेट करना पड़ता है बस, आधे घंटे से ज्यादा हम नहीं रोकते बच्चे को। इसके बाद बच्चा निकलता है, पंजीयन करा के पंजीयन कार्ड जैसे ही उसको मिलता है वो नियोजक के पास जाता है और नियोजक के पास जाके इंटरव्यू देता है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका ऐसा हो रहा है कि जहां रोजगार कार्यालय में नियोजक आके बैठा हुआ है और वो लगातार भर्ती कर रहा है, और ये आज की बात नहीं है, लगभग 20 दिन से हम ये काम कर रहे हैं और आगामी 20 दिन तक और काम करेंगे। हम राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के बच्चों का जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है उतना भला करने के। सावन के आते ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है और बड़ी संख्या में कांवड़िया जल लेकर शिवालयों में पूजा करने पहुंचते हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर की महाकाल समिति के द्वारा सावन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने को लेकर बैठक की गई। उज्जैन की तर्ज पर बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा रूपरेखा भी तैयार की गई। एक महीने तक चलने वाली सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारी भी देखने को मिल रही है। इस पर्व में धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। महाकाल समिति के द्वारा बैठक लेकर सावन में चारों सोमवार को धार्मिक आयोजन को लेकर बैठक की गई। समिति में नीलू शर्मा ने कहा कि महाकाल समिति के द्वारा इस बार सावन के चारों सोमवार को बाबा महाकाल के उज्जैन की तर्ज पर सवारी निकाली जाएगी ताकि पूरा शहर बाबा महाकालमय रहे। अलग अलग शहरों से गायक आएंगे। निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूछा है कि ये पहला कार्यक्रम है, तो ये पहला प्रयास है कि बाबा की कृपा से हमने प्रयास किया था कि ये इस शिवरात्रि में दूसरी बार नंदई से हमने यात्रा का प्रारंभ किया था, लेकिन इस बार चंद्रमुलेश्वर महाकाल की हमने सवारी निकाली थी। जैसा कि आप लोग उज्जैन में जैसा निकलता है बाबा की सवारी, वैसे ही इस बार सावन के चार सोमवार पड़ रहे हैं उसमें उज्जैन की तर्ज पर ही इस शहर में जो है वो सवारी निकालेंगे और प्रयास ये करेंगे कि पूरा शहर जो है वो बाबा के भक्तों में जो है वो समाहित रहे और बाबा का चारों तरफ जो है वो वातावरण जो है वो दिखता रहे।
महाकाल समिति का कहना है कि इस बार शहर में चारों सोमवार को उज्जैन की महाकाल की तर्ज पर बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ताकि जो भक्त उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं उनको यहीं बाबा महाकाल के दर्शन हो जाए। सोमवार को महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही चारों सोमवार को अलग अलग गायकों द्वारा बाबा महाकाल की भक्ति गीत सुनाए जाएंगे। हरियाणा से लखा सिंह के द्वारा भजनों की प्रस्तुति भी राजनांदगांव में दी जाएगी। बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा में पालकी ढोल डमरू के साथ भक्त नाचते हुए निकलेंगे। सावन में चारों सोमवार में उज्जैन की तर्ज पे जो भक्त उज्जैन ना पहुंच नहीं सकते उनके लिए उज्जैन की तर्ज में बाबा नगर भ्रमण को अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए राजनांदगांव के नगर भ्रमण करेंगे चारों सोमवार को। और चारों सोमवार में भव्य शोभा यात्रा है जिसमें झांकी जुलूस बैंड बाजा हाथी घोड़े सब रहेंगे। और हर यात्रा में चारों यात्रा में चार बाहर से गायक आ रहे हैं। पहले इंदौर उज्जैन से आ रहे हैं सावन नागदा जी, दूसरे में है खिलेश्वर यादव दुर्ग से हैं खिलेश यादव, तीसरे में है सिहारे जी सुनील सिहारे भीमतरा से, चौथे में लखा जी हरियाणा से हैं। ये चारों सोमवार को चारों गायक रहेंगे, साथ में बाबा की पालकी निकलेगी, ढोल डमरू बजाने के लिए उज्जैन से लोग भी आ रहे हैं बाबा के जो डमरू के साथ नाचेंगे, झान डमरू के साथ ढोल के साथ नाचेंगे, ये बाबा के साथ चलेंगे। बाबा अपने भक्तों का हाल चाल जानने के लिए नगर पे आएंगे, जो भक्त उज्जैन नहीं पहुँच सकते उनको नगर के हाल चाल के लिए जाना। जिले के धमदा विकास खंड के रौंदा गांव में लकड़बग्घे ने हमला कर 11 बकरियों की जान ले ली। बीती रात को एक परिवार ने बंद कमरे में सभी बकरियों को रखा था। लकड़बग्घों के झुंड ने कमरे में घुसकर 11 बकरियों को मार दिया, वहीं 8 से ज्यादा बकरियों को घायल कर दिया। परिवार को इसकी जानकारी रात में बकरियों के शोर से लगी। परिवार के सदस्यों ने जाकर देखा तो वहां कई बकरियां मर चुकी थी और कई खून से लथपथ थी। ग्रामीण की शिकायत पर वन विभाग व मैत्रीबाग जू के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खूंखार जानवर के पैर और नाखून व दांतों के निशान देखकर लकड़बग्घों के हमले किए जाने की पुष्टि की है। इन दिनों मरवाही फॉरेस्ट विभाग का पर्यटन स्थल गगनई स्टॉप डैम नेचर कैंप दुर्दशा का शिकार हो गया है। यहाँ गेस्ट हाउस तो है लेकिन पहुंच मार्ग जर्जर हो गए हैं। सड़क में बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं। वन विभाग लाखों रुपए संधारण में हर वर्ष खर्च कर रहा है लेकिन पक्की सड़क बनाना उनकी मंशा नहीं है। पर्यटकों को बोटिंग का लुफ्त उठाने के लिए बनी नाव भी कबाड़ में बदल गई है। यह विभाग का एकमात्र मनोरम पर्यटन स्थल है जिस ओर पर्यटक खुद खींचे चले आते हैं। कच्ची सड़क मार्ग से छोटी कार में ही यहां जाना संभव है। कुछ समय से बदहाली के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। बीते अप्रैल में हुए एक हादसे के बाद बाहर से खरीदी नावें भी कबाड़ हो गई हैं। लाखों के जैकेट भी अनुपयोगी हो गए हैं। पर्यटकों की माने तो डैम के पास सुरक्षाकर्मी और चौकीदार की तैनाती कर बोटिंग कराया जा रहा है। वहाँ पे जैसे कि आप लोग को विगत है कि एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे द्वारा लगभग 15 दिवस के लिए कार्य बंद करवा दिया गया था कि जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होता है तब तक वापस कार्य नहीं करना ताकि वो दुर्घटना ना हो। फिर उसके बाद जब वो चीज़ें रिपेयर हो गई तो वापस मैंने कार्य कराने तो ऑर्डर दे दिया गया है। जैसे अभी पानी का वाटर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए थोड़े दिन बाद उसका काम कम्प्लीट होकर रेडी हो जाएगा, मैक्सिमम 1 or 2 weeks रिपेयरिंग कराया जाएगा जिसको। लेकिन अभी क्या है कि ऐसे भी बरसात में होता रहेगा तो 1-2 महीने बाद उसको भी टेम्परेरी रिपेयर करके काम चलाया जाएगा। जैसे बरसात एंड होने के करीब आएगा तब उसको अच्छे से मरम्मत करके कराया जाएगा। वन विभाग पर्यटकों को लुभाने के लिए व्यवस्था के कई दावे जरूर कर रहा है लेकिन वास्तविकता इससे परे है। बहरहाल कमीशन खोरी और अव्यवस्था से ग्रसित यह कैंप अपने गुलजार और संवरने का इंतजार कर रहा है। नेचर कैंप में 5 कॉटेज बने हुए हैं जो भी पर्यटक आते हैं जी, कोई रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो रिजर्वेशन हो जाता है ऊपर मंडल अधिकारी के द्वारा। और जो गेट में पास कटा के आते हैं वो अपना पर्यटन का घूमते फिरते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। 5 नाव हैं, 5 नाव में कोई भी नाव अभी वहाँ चालू नहीं किया गया है। क्यों, इसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह यह है कि अभी पूर्णतः अभी बन रहा है अभी बोट हाउस पूर्णतः बन जाने के बाद ही नाव चालू किया जाएगा। हाँ नहीं, सीसी रोड के लिए अपन
मंदिर का द्वारा मांग किए हैं कि सीसी रोड मतलब 2 किलोमीटर सीसी रोड के लिए मांग किया गया है। अब देखिए स्वीकृति हो जाता है तो सीसी रोड मतलब वहाँ का बना दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर राजस्व जमीन फंसा हुआ है किसानों का, अब वो लोग जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए मतलब अपन नहीं कर सकते। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।